सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे तो लगता है सब बच्चे बहुत अच्छे से हैं, है ना? सही बात है ना? तो बच्चों, आज आपको पता है आज हमारी किसकी क्लास है? जल्दी से बताइए मुझे। ना 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 ना, आई एम सो हैप्पी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारी हिंदी की क्लास है। आज हमारी किसकी क्लास है? आज तो हमारी हिंदी की क्लास है और मुझे तो हिंदी में मात्राएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और हमें तो ये भी याद है कि मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। मैंने पढ़ा था छोटी ई से इमले की मात्रा और बड़ी ई से ईक की मात्रा। तो बच्चों, आज मैम हमें क्या पढ़ा रही हैं? आज मैम हमें पढ़ा रही हैं छोटा ऊ से उल्लू की मात्रा और बड़ा ऊ से ऊन की मात्रा। तो चलो हम अपनी सपना मैम को बुलाते हैं। सपना मैम, प्लीज जल्दी से आइए, हमें हिंदी पढ़ाइए। सुप्रभात बच्चों, तो जैसा कि सिम्बा ने आप सभी को सब कुछ बता दिया है कि आज हमारी किसकी क्लास है और हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सिम्बा ने आपको सब कुछ बता दिया है ना? तो आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको याद है कि हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वेरी गुड, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था छोटा ई से इमली की मात्रा और बड़ा ई से ईक की मात्रा। तो सबसे पहले हम जल्दी से रिवीजन करते हैं कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, ये कौन सा वर्ड है? ये बा है, बा से बकरी। बा से बकरी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है तो कैसे लगानी है। बा से बकरी के पहले सीधी रेखा खींचेंगे आप, ठीक है? उसके बाद आपको इसके ऊपर तरीके से रेखा लगानी है और फिर ये ना बना देना है। ये क्या बन जाएगा? बा पर छोटी की मात्रा बी, बी, न, न, बिन, बिन। क्या बन गया ये? बिन। छोटी की मात्रा लगी है बा में, है ना? क्योंकि वो बा के पहले से लगी है और छोटी की मात्रा हमेशा किसी भी अक्षर के पहले सीधी रेखा बनाकर ही लगाई जाती है। और सो कैसे पढ़ेंगे? बी, न, बी, न। अच्छा, मैं बड़ी की मात्रा वाला एक शब्द लिखती हूँ, आप मुझे बताइएगा ये कौन सा वर्ण है? ख। ख वर्ण में मैंने अगर बड़ी की मात्रा लगाई तो मैंने बाद में सीधी रेखा खींची और इस तरीके से ऊपर से मात्रा लगाई और यहाँ पे लिखा है ल। तो जल्दी से बताइए हम इसको क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताइए मुझे हम इसे क्या पढ़ेंगे? खी ल, खी ल, खील। क्या पढ़ेंगे इसको? खील, खील। आया समझ में? क्या पढ़ेंगे हम इसको? खील। ओके, सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, एक बार रिवीजन हो गया है आपका। अब हम पढ़ेंगे आज किसकी मात्रा। वेरी गुड सिम्बा, जल्दी से बताइए हम किसकी मात्रा पढ़ेंगे। वेरी गुड, आज हम पढ़ेंगे छोटा ऊ से उल्लू की मात्रा। क्या पढ़ेंगे हम? छोटा ऊ से उल्लू की मात्रा। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि छोटा ऊ से उल्लू की मात्रा हम लगाते कैसे हैं। सबसे पहले हमें एक गोला खींचना होता है, ऐसे हमने गोला खींच लिया और यहाँ से एक रेखा ला के ऐसे कर देते हैं। ये हो गई हमारी छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ से उल्लू की मात्रा। वेरी गुड, ये किसकी मात्रा हो गई? ये हो गई छोटे ऊ से उल्लू की मात्रा। समझ में आपको? अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि छोटे ऊ से उल्लू की मात्रा को हम किसी भी वर्ण में कैसे लगाते हैं, किसी भी वर्ण में हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए,
तो बन गया है कुक कुक, ठीक है, क्या बन गया है कुक। अच्छा अगर मैं इसमें जोड़ दूं क्या ल, तो ये क्या बन जाएगा मुझे पढ़कर बताइए, ये क्या बन जाएगा कुक ल कुक ल पुल, क्या बन जाएगा कुक ल पुल पुल। आया समझ में आपको? आया समझ में? चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं बड़े उ की मात्रा का और फिर हम इसको अपनी किताब के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे छोटी की उ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, चलिए अब हम अपनी किताब के थ्रू छोटे उ की मात्रा को एक बार पढ़कर देखते हैं। सो नाउ वी विल लर्न छोटे उ की मात्रा अपनी बुक के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले सब बच्चे अपनी बुक को खोलिए, पेज नंबर है 2424, ओके। तो देखते हैं छोटे उ की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं, है ना। तो देखिए ये किसका चित्र है, क्या आप बता सकते हैं ये किस चीज़ का चित्र है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ये तो रोज़ है और रोज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाब। क्या बोलते हैं? गुलाब, गुलाब। क्या बोलते हैं? गुलाब। तो देखिए गुलाब कैसे लिखा हुआ है, ग में छोटे उ की मात्रा गु, ल में आ की मात्रा ला और ब ब। एक बार फिर से देखते हैं, ग में छोटे उ की मात्रा, ठीक है, उसके बाद ल में बड़े आ की मात्रा और ब से बकरी, तो क्या बन जाएगा गुलाब, ठीक है। वैसे ही इसको देखिए, ये क्या है, कछुआ कछुआ कछुआ। क्या है ये, क्या है ये, कछुआ कछुआ। देखिए कछुआ कैसे लिखा है हमने, क से कबूतर, छ से छतरी में हमने छोटी उ की मात्रा लगाई है और अ से अनार में आ का डंडा लगाया है, तो बन गया कछुआ कछुआ कछुआ, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, चूहिया चूहिया। क्या लिखा हुआ है, चूहिया चूहिया, है ना, चू, देखिए चू, और ह में छोटी की मात्रा लगाई तो ही और फिर य में आ की मात्रा लगाई तो या, चूहिया चूहिया। आया समझ में? आ रहा है ना समझ में बच्चों? अब देखिए आपका होमवर्क क्या है, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और एक वीडियो बना के मैम को भेजना है और मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुन, स पर छोटे उ की मात्रा न सुन सुन, ग पर छोटे उ की मात्रा गु, ड पर छोटी की मात्रा अड़ी और या पर आ की मात्रा या गुड़ी या, सुन 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 गुड़िया सुन सुन गुड़िया मुरली, ला पर बड़े की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, ली मुरली की धुन धुन धुन, सुन सुन गुड़िया सुन सुन गुड़िया मुरली की धुन। आया समझ में छोटे उ की मात्रा, आई सब बच्चों को समझ में, है ना। इन वर्णों पर छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो इन्हें कैसे पढ़ेंगे, देखते हैं। क पर छोटे उ की मात्रा लगाएगी तो बनेगा कु कु, ख पर छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा खु खु, ग पर छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा गु गु। आया समझ में? चलिए अब हम पढ़ते हैं बड़े उ की मात्रा। तो बच्चों अभी आपने अपनी किताब के द्वारा पढ़ा छोटे उ की मात्रा, अब जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि बड़े उ की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं और कैसे उसको वर्णों पे या अक्षर पे कैसे लगाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे छोटे उ की मात्रा में हमें गोला खींच के आगे बढ़ा देते हैं, पर उससे उल्टा बड़े उ के ऊन की मात्रा में हम गोला खींचते हैं और उसको इस तरह से पीछे की ओर बनाते हैं।
देखा आपने, गोला खींचा और पीछे की ओर बनाया, ठीक है। अब देखते हैं किसी वर्ड में अगर हम बड़े की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये बताइए कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, क्या है ये? ध, ध से, ध से जल्दी से बताइए, ध से धनुष, वेरी गुड, ध से धनुष। अब ध से धनुष में अगर मुझे बड़े उ की मात्रा लगानी है तो कैसे लगानी है? ध से धनुष में अगर मैं बड़े उ की मात्रा लगाऊंगी तो उसके बिल्कुल नीचे गोला खींचे और पीछे की तरफ उसकी रेखा बना दूंगी, तो ये बन जाएगी हमारा, क्या बन गया हमारा, ये ध से धूप अब हमारा बन गया धू, क्या बन गया धू, ठीक है। ध से धनुष हमारा क्या बन गया, धू, है ना। ध में बड़े की मात्रा जोड़ती तो बन गया धू, और ये हो गया प, 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 धू, प, धू, प। अच्छा देखिए आपने एक चीज देखी होगी, जब बड़े की मात्रा लगाती हैं तो ऊ का जो स्वर है वो देर तक जाता है, देखिए धूप, धूप, और यहाँ देखा था आपने पुल, पुल, तो दोनों में बहुत सारा अंतर है। चलिए मैं बड़े उनकी मात्रा आपको आपके बुक के द्वारा पढ़ाती हूँ, ठीक है बच्चों। बच्चों अभी हमने पढ़ा बड़े उनकी मात्रा, चलिए अब बड़े उनकी मात्रा अपने बुक के थ्रू पढ़ते हैं। सबसे पहले पेज नंबर को खोलिए 26, है ना। देखिए बड़े उ की मात्रा मैंने आपको बताई थी कैसे लगाते हैं, किसी भी वर्ण में ऐसे फ पर बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो फू, और ये है ल, फूल, फूल, फूल। ऐसे ही ये देखिए किसका चित्र है, उल्लू, किसका चित्र है ये, उल्लू। अच्छा ये बताइए किस चीज़ का चित्र है, पढ़कर बताइए क्या लिखा हुआ है, क बू, क्यों ब में बड़े उ की मात्रा लगी है तो बू, त र, कबूतर, क्या लिखा है, कबूतर, ठीक है, क बू त र, कबूतर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ये कुछ शब्द पढ़कर, क्या है ये, धूप, धूप, भूख, भूख, भालू, भालू, बूढ़ा, 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 चूहा, चूहा, ठीक है, झूला, झूला। जल्दी से बताइए क्या लिखा है, जल्दी से बताइए मुझे क्या लिखा हुआ है, मूली, मूली,